अरे कुछ ही तो ग्लोबल सर्वेज में हम कहीं आते हैं, ग्लोबल टॉप 300 में कहीं नाम नहीं है, ग्लोबल टॉप 500 में जो कि टाइम सर्वे ने किया था ग्लोबल इंडेक्स ऑन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, उसमें टॉप 500 में सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आपका JNU। अरे टाइम छोड़ो, HRD मिनिस्ट्री के खुद के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में JNU कंसिस्टेंटली या तो नंबर 2 या तो नंबर 3 पे आती है। तो सरकार एक तरफ खुद ही मान रही है कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, दूसरे तरफ खुद ही इस यूनिवर्सिटी को खोखला भी कर रही है, तीसरी तरफ खुद ही इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पीट पीट के पीट पीट पे सड़क पे दौड़वा रही है। कौन से ऐसे डेमोक्रेसी में होता है कि आप एक तरफ कहते हो ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है और उसी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा के आप मारते हो जब वो कहते हैं कि फीस बहुत ज्यादा हो गया है। भाई दिल्ली पुलिस को JNU स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी सभ्य समाज अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करता। पहली बात तो यह है, जो एज पे सवाल उठाया जा रहा है, इस देश में कोई भी इंसान PhD करेगा तो उसको 28 से 30 साल लगेगा। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल में हमने PhD की तो ये गुनाह है, और 33 साल में प्रधानमंत्री MA किए तो ये बड़ा वाहवाही का बात है। और ये सारा गुस्सा इसलिए निकाला गया क्योंकि हॉस्टल के कमरे की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई। क्या बात! अभी JNU में पढ़ने वाले एक छात्र की हॉस्टल की सालाना फीस 27,600 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये 61,000 रुपए से 66,000 रुपए तक हो जाएगी। इसके बाद JNU देश में सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। आप कहते हैं कि बच्चे गरीब हैं और वो कमरे के किराए के अलावा बाकी बढ़े हुए पैसे नहीं दे सकते, तो सवाल ये है कि क्या पूरे देश में सिर्फ JNU में पढ़ने वाले बच्चे गरीब हैं? JNU के बगल में IIT दिल्ली है, इसी शहर में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दोनों जगह हॉस्टल फीस और खर्चे JNU से भी ज्यादा हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सालाना हॉस्टल फीस 40,000 से लेकर 55,000 रुपए है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये 35,000 रुपए है, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ये 21,600 रुपए से 30,400 रुपए है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 28,500 रुपए है, यूनिवर्सिटी में BHU में ये फीस 27,400 रुपए है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में ये 12,000 से 15,200 रुपए है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 14,400 रुपए है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 14,000 रुपए है। सवाल ये है कि बजाय प्रशासन की बात पर यकीन करने के ये स्टूडेंट्स इसमें साजिश क्यों ढूंढने लगते हैं, समझ नहीं आया मेरे को। क्योंकि ये एक मीटिंग के तहत हुआ है, 28 अक्टूबर को हुआ था IHA मीटिंग, जिसमें इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बोला जाता है, जहाँ पे हॉस्टल की सारे जो कानून होते हैं या कोई पॉलिसी लिया जाता है उससे लागू होता है डिसीजन होके, वहाँ पे JNU छात्र संघ के किसी भी मेंबर को बुलाया नहीं गया था। आप बुलाते नहीं हैं, पहले तो आप JNU को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, कोर्ट से जाकर के डिसीजन हुआ है फिर भी आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, 10 मिनट पहले आप हॉस्टल प्रेसिडेंट को मेल करते हैं कि आप आइए और मीटिंग में अटेंड कीजिए, हॉस्टल प्रेसिडेंट नहीं जाते हैं फिर भी आप उसको पास कर लेते हैं, डीन आपका हेल्थ सेंटर में पढ़ा हुआ रहता है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, एसोसिएट डीन के चेयरमैनशिप में आप पास कर लेते हैं, और आज तक मिनट्स आपने नहीं दिया है मीटिंग्स का, वो अपने आप में अनडेमोक्रेटिक। और इतना दिन से यूनिवर्सिटी बंद है और एक बार भी वाइस चांसलर बात नहीं कर रहा है, ठीक है आप रेक्टर को भेजिए, आप प्रॉक्टर को भेजिए, आप डीन को बोलिए की बात करिए, कोई आकर के बात नहीं कर रहा है, ये है इतना अनडेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक तरीके से आप सारा कुछ कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे रह पाते हैं, लोग बोलते हैं 10 रुपए का महीना लगता है, 10 रुपए का महीना नहीं लगता है, 3,000 रुपया हमारा खाने का बिल आता है, 2,800 से 3,000 रुपया, उसके अलावा हमारा फोटो शेयर कराना हुआ, बुक खरीदना हुआ, प्रिंट आउट लेना हुआ, ये तमाम जो खर्चे हैं लगभग हर महीने 3 से 4 हजार आते हैं। तो सिर्फ मामला नहीं 10 रुपए का 10 रुपए के साथ और भी तो खर्चे हैं ना। और ये कैसे गरीब छात्र हैं जो हाथ में 30,000 का मोबाइल फोन लेकर 300 रुपए के किराए का विरोध कर रहे हैं? भैया मैं अबोध हूँ, असहाय हूँ, अपनी तमाम बुद्धि और जीवन के एक्सपीरियंस से इस गरीबी और गरीबों की इस आधुनिकता को समझने में असमर्थ हूँ। प्लीज प्रभु मुझे इस गरीबी को समझने की थोड़ी शक्ति दे, क्षमता दे, प्लीज। तो भैया से जानना चाहूंगा कि एलीट का डेफिनेशन क्या है? JNU का डाटा ये कहता है कि यहाँ पे 40 से 45% बच्चे जो है उनका 12,000 से कम इनकम है। तो मेरे पिताजी खुद इज अ ड्राइवर बाई प्रोफेशन, तो मुझे एलीट और नन एलीट क्लास का डेफिनेशन कुछ पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि ये फी हाइक होगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे और हमें जाना पड़ेगा, आई एम मास्टर्स फर्स्ट ईयर, तो मुझे भी बीच मझधार में मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। पापा मेरे टेलर है जिनका 6,000 से भी काफ़ी कम इनकम होता है मंथली, वो अभी मुझे नहीं पढ़ाते, एक भैया है जो मुझे पैसा देते, वो सोशल वर्क करते इसलिए वो मुझे पढ़ा पाते, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ। ये कैसी गरीबी है जहाँ यूज्ड कंडोम को रबड़ की तरह यूज करके लड़कियाँ चोटी बांधती हुई दिखाई देती? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो,
जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। वेरी गुड। इसीलिए ये सारी बातें देखने और सुनने के बाद मुझे लगता है कि फीस बढ़ोतरी एक बहाना है। दरअसल इस कैंपस में जिस खास सोच का कब्जा है ना, उसे किसी न किसी बात पर विरोध तो करना ही। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो? ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे देश में एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बचाने का प्रोटेस्ट है। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स के खिलाफ इस तरह का जो एक माहौल बनाया है, उसमें गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे JNU में। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार को लेकर JNU के टीचर भी उतने ही सेंसिटिव हैं जितने स्टूडेंट सेंसिटिव हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि फीस JNU में कम क्यों होनी चाहिए, बात यह है कि बाकी यूनिवर्सिटीज में इतनी ज्यादा क्यों है। हम क्या चाहते हैं अपने सरकार से? हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, हमारे हेल्थ का ख्याल रखे, हमारे एजुकेशन का ख्याल रखे। बाकी सारी डेमोक्रेसीज अब फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन की तरफ जा रही है और हम उससे पीछे हट रहे हैं। हेल्थ के बारे में आपको मालूम ही है, 1.12% हम लोग स्पेंड करते हैं अपनी बड्डी बड्डी GDP का, और एजुकेशन पे हम स्पेंड करते हैं लगभग 3%, और वो भी एक काफी दिनों तक स्टैग्नेंट ही रहा है। बजट 2019 अकॉर्डिंग टू CMIE रिपोर्ट अंडर स्पेंडिंग, 5 साल में 4 साल अंडर स्पेंड हुआ है। कितना? 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए थे 5 में से 4 साल, जो कि 2G स्कैम का दुगना अमाउंट होता है। ये मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के शख्स के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा JNU स्टूडेंट्स हॉस्टल में आने जाने को लेकर बदले जो रूल्स हैं उसके लिए भी काफी नाराज है। अब वो नियम क्या है ये भी आप समझ लो। जैसे हर स्टूडेंट को रात 11:30 से पहले अपने कमरे में पहुंचना होगा, कोई भी स्टूडेंट 10:30 के बाद किसी दूसरे के कमरे में नहीं जाएगा, और लड़के लड़कियां एक दूसरे के कमरे में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इन सब नियमों पर छात्रों का यह कहना है कि ये स्टूडेंट्स की फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश है, हम ले रहेंगे आजादी, हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वाह क्या बात है। मैं फ्रीडम की एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी, मुझे एक चीज बता दीजिए, पूरे इंडिया में, मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ, क्या लड़कियां 12 बजे के बाद पूरे इंडिया में कहीं सेफली अकेले घूम सकती है? नहीं घूम सकती, बिना हैरेस्ट बिना ईव टीजिंग के कहीं नहीं घूम सकती। मैं चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार से आती हूँ, हम लोग 9 बजे के बाद बाहर निकलते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि इसके घर का रवैया ठीक नहीं है, देखो 9 बजे के बाद लड़की मार्केट में घूम रही है। ये एक ऐसा कैंपस है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हम 12 बजे ईयरफोन लगा करके पढ़ने के बाद नाइट वॉक कर लेते हैं अकेले, 3 बजे किसी भी टाइम पे फ्रीली, एकदम जैसे एक लड़का लेट नाइट में जिस कंफर्ट के साथ बाहर घूमता है, लड़कियां भी उसी कंफर्ट के साथ बाहर घूमती है। मेरा एक कहीं कोई मोलेस्टेशन ईव टीजिंग हैरेसमेंट कहीं नोटिस नहीं होता। ये डर से हमारे मन से डर निकल गया कि यहाँ कुछ होगा, हम कभी कभी अपने घर से ज्यादा सेफ फील करते हैं। ये मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के शख्स के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन ये जानने के लिए कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना खास क्यों है और सरकार इससे डरती क्यों है, आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा एक वेबसाइट पे, narendramodi.in, हमारे प्रधानमंत्री का पर्सनल वेबसाइट, जिसमें एक वाक्य मेंशन है दिसंबर 1973 का, जब मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि उनका फी हाइक हो गया था, उनका मेस बिल बहुत ज्यादा हो गया था। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसको पूरे स्टेट में फैला दिया गया, इसमें बड़े बड़े लीडर जयप्रकाश नारायण इन्वॉल्व हो गए, और खुद एज अ यंग प्रचारक एंड एसोसिएट ऑफ अखिल भारतीय विद्या परिषद और ABBP, नरेंद्र मोदी ज्वाइंड द नव निर्माण मूवमेंट एंड ड्यूटिफुली परफॉर्म द टास्क असाइन टू हिम। वहां वो JP से भी मिले, बहुत प्रभावित हुए नरेंद्र मोदी उनसे, और ये मूवमेंट इतना ज्यादा फैल गया, एक स्टूडेंट मूवमेंट जो इतना ज्यादा फैल गया कि अल्टीमेटली कांग्रेस की सरकार गुजरात में गिर भी गई। तो आप समझ सकते हैं क्यों हमारी सरकार स्टूडेंट से थोड़ा खासा डरी रहती है, क्योंकि कहां बात कहां चले जाए। और वही स्टूडेंट मूवमेंट और वही स्टूडेंट लीडर्स हमें याद दिलाती है अरुण जेटली के बारे में भी, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे डट के खड़ी हुई थी सरकार के खिलाफ। फर्क यह है कि उस समय उनको एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बोला जाता, नहीं तो ये सारे लीडर्स हमारे आज के टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स ही होते। देश के टुकड़ों की कथित कामना करने वालों को कम से कम देश के ही टुकड़ों पर पलने की ख्वाहिश तो नहीं रखनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छा ठीक है,
अब ये सारी चीजें भुला देते हैं, बोलते सब सब्सिडी खत्म करो, सरकार के पास एकदम पैसा नहीं है, ना अस्पताल में सब्सिडी मिलेगी, ना एजुकेशन में सब्सिडी मिलेगी, ना तुम्हारे भूखमरी की वजह से सब्सिडी मिलेगी, ना फार्मर को सब्सिडी मिलेगी। तो सब्सिडी मिलेगी किसको? सब्सिडी मिल रही है जिसको मिलना है, उसको सब्सिडी बिल्कुल मिल रही है। अब देख लीजिए, बिजनेस टुडे का ही ये रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 का अनुमान है। वेल ऑफ इंजॉइंग सब्सिडीज वर्थ 1 लाख करोड़, तो जो क्रीमी लेयर है, जो पे कर सकते हैं, वो 1 लाख करोड़ की सब्सिडी इंजॉय करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ट्रेन फेयर्स, गोल्ड एंड टैक्स बेनिफिट। दूसरी बात ये है कि क्या आपको पता है कि पार्लियामेंट कैंटीन में कितना सब्सिडी है? 30 रुपए में बटर चिकन खा रहे हैं वो लोग, 3000 करोड़ के उन्होंने स्टैचूज बना दिए, वहां पे क्या टैक्स पेयर्स के मनी वेस्ट नहीं हो रहा है? अगर सरकार के पास इतनी ही कमी है पैसों की, तो ये सब फालतू के खर्च ना करें। 4000 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट देगी सरकार, पैसे निकल आते हैं। लेकिन अगर जेएनयू में स्टूडेंट पढ़ने बैठे, अगर आईआईटी में स्टूडेंट एमफिल करने जाए, अगर एनआईडी में स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करे, अगर एनयूएस में स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करे, तब उसके लिए पैसे नहीं है। ये मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के शख्स के लिए समझना मुश्किल है, या इस देश के 135 करोड़ जनता ही मूर्ख है? हकीकत क्या है आप खुद ही तय कर लीजिए, आप भी तो ज्ञानी हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? वाह मोदी जी वाह वाह वाह। तो ये पब्लिक को चुम समझते हो, हैं? चुम समझते हो बे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।